नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना स्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका ज़ोरदार स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा और आप उन वीडियोस को डे बाय डे देखते रहिए। और आज हमारा टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मेजर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल करेंसी, उनकी पार्लियामेंट है और उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जो हमारी मेजर कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारी करंट अफेयर्स से एग्ज़ाम में आने के चांस होते हैं, उनकी मैं कैपिटल और करेंसी और जिनके जो थोड़ी फेमस कंट्रीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन, जैसा आप देख रहे हैं, आज का हमारा Day 3 है स्टेटिक जीके का। और इसमें मैं आपको जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, वो मेजर जितने भी हमारे प्रमुख देश आपके करंट अफेयर्स से इम्पॉर्टेंट बनेंगे, वो सब मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और जो भी हमारी जो इंडिया की, इंडिया और इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उसका मैंने एक अलग सेशन रखा है। आज आपको मेजर कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की हैं वो मिलेंगी और जितनी भी इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो, उसके मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आपको इसके बाद मिलेगी Day 4 में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे हम उससे जुड़ पाएँ और नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए फिर, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको आप वीडियो को देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाइएगा। चलिए फिर देखिए, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला देश है, हमने भारत को ही लिया है और यहाँ की राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है, सबको पता होगा। करेंसी इंडियन रुपी है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, मैंने साथ में इसके इंडिया का फ्लैग भी रखा है और यहाँ पे मैप से भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट में आता है और वो उसका मैप क्या है। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मुझसे कई बच्चों ने कहा था, जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा सर आप देश की कोई भी देश, मतलब जो करंट के जो देश हैं उनकी आप वीडियो लेके आइए, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी क्या है और प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो प्रोवाइड कराया है और साथ में इसके मैंने आपको देश का मैप भी प्रोवाइड कराया है, जिससे आपको चार चार क्लियर होते चले हर बार, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये सबको पता है। अब जो नेक्स्ट है वहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और देखना है और याद रखना है। जो नेक्स्ट कंट्री है हमारी ऑस्ट्रेलिया है, कैपिटल क्या है यहाँ की, कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का मैप आप ये देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को आपको ध्यान रखना है, कैपिटल क्या है, कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। अब मेन चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया से इम्पॉर्टेंट बनेगी आपकी, वो है ऑस्ट्रेलिया से मेन इम्पॉर्टेंट जो आपका बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 85% हर साल गेमिंग में इन्वॉल्व रहती है। ये आपका एक टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है इसका 85% हर साल गेमिंग में इन्वॉल्व रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए इम्पॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैपिटल कैनबरा है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। चलिए फिर नेक्स्ट देश जो हमारा बनेगा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ की, जैसिंडा आर्डन। अब ये सेकंड टेन्योर है इनका, दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है और ये दूसरी बार यहाँ की पीएम बनी है। प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की कौन है, जैसिंडा आर्डन है, करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर है,
किसकी? न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, कैपिटल वेलिंगटन है, कंट्री कौन सी है आपकी? ये न्यूजीलैंड। तो आप ये मैप में देख ही रहे होंगे न्यूजीलैंड को, कैपिटल याद रखना है न्यूजीलैंड वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, तो आपको ऐसे ही ये याद रखना है न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डन। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है। अगर आप पीएम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जो आपका इम्पोर्टेंट, जिससे आपका करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो बनेंगी, जो आपकी क्या न्यूज़ में रही होंगी, उनके ही ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है, वरना कैपिटल और करेंसी ही पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको मेन फोकस करना है कैपिटल करेंसी पे, और किसी देश का अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम आसान है तो आप याद रख सकते हैं, और जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आपकी करंट में रही है उसके आप याद रख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको जो मेन मेजर मेजर कंट्रीज़ हैं वही करवाई हैं इसमें, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कैपिटल हैं और उनकी करेंसी है, ये सब मैं आपको याद करवा दूंगा। यहाँ पे कंट्री आपकी ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट जो देश है आपका फिजी है, कैपिटल सूबा, करेंसी फिजियन डॉलर है, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जियोजी कॉनरोते। ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया के पास ही कंट्री है फिजी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कैपिटल क्या है? सूबा है, करेंसी फिजी डॉलर है, इसका बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट जो आपकी कंट्री है और इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है ये, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जोको विडोडो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, जकार्ता कैपिटल किसकी है? इंडोनेशिया की है। करेंसी क्या है इंडोनेशिया की? इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया है, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जोको विडोडो। तो आपको याद रखना है ये, और मैप में आप इंडोनेशिया देख ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर जो नेक्स्ट हमारा देश है पापुआ न्यू गिनी, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर देख रहे होंगे, ये पापुआ न्यू गिनी, इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी है पापुआ न्यू गिनी किना, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी किना, इसकी यहाँ पे करेंसी है कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी, करेंसी, और आपकी कंट्री कौन सी है? पापुआ न्यू गिनी, कैपिटल आपको याद रखनी है पोर्ट मोरेस्बी, और करेंसी है पापुआ न्यू गिनियन कीना। चलिए फिर जो नेक्स्ट देश आपका इम्पोर्टेंट बनेगा, नेक्स्ट कंट्री जो इम्पोर्टेंट बनेगी आपकी मलेशिया है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर, किसकी है ये? मलेशिया की। करेंसी क्या है? रिंगिट। तो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के कौन है? महाथीर बिन मोहम्मद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महाथीर बिन मोहम्मद, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी रिंगिट, कैपिटल कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है मलेशिया की, करेंसी रिंगिट है, प्राइम मिनिस्टर महाथीर बिन मोहम्मद हैं। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है, बस आप ऐसे ही सुनते रहिए, मैं आपको सारे ये याद करवा दूँगा। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बी, करेंसी पापुआ न्यू गिनियन किना, मलेशिया कुआलालंपुर, रिंगिट, और महाथीर बिन मोहम्मद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनका एक नाम और है ये मुहिद्दीन यासीन, ये भी इस नाम से भी फेमस हैं ये। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है सिंगापुर है, कैपिटल है यहाँ की सिंगापुर नगर, सिंगापुर सिटी कैपिटल है, कंट्री है सिंगापुर, मैप में आप देख रहे होंगे सिंगापुर, कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी यहाँ की क्या है? सिंगापुर डॉलर है, प्रेसिडेंट अब यहाँ के सिंगापुर डॉलर, ये आपका गलत है ये। चलिए ये मैं आपको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, ये सिंगापुर डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है, और यहाँ के हलीमा याकूब ये कौन है? प्रेसिडेंट हैं, और ली शियन लॉन्ग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको मेन करेंसी याद रखनी है सिंगापुर डॉलर, कैपिटल सिंगापुर नगर या सिंगापुर सिटी, किसकी है ये कैपिटल? सिंगापुर की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है थाईलैंड है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है, और करेंसी क्या है? बाट, ठीक है, बाट यहाँ के थाई बाट इसे भी बोल सकते हैं करेंसी को, कैपिटल बैंकॉक किसकी है? थाईलैंड की,
और यहाँ के पीएम कौन है? प्रयुत चन ओचा, ये आपको याद रखना है। थाईलैंड आप मैप में देख ही रहे होंगे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं थाईलैंड, तो इसको आपको ऐसे ही ये याद रखना है। चलिए फिर, जो आपको याद रखना है, थाईलैंड की करेंसी क्या है? बैंकॉक है। और यहाँ की करेंसी है थाई बाट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चन ओचा, तो याद रहेगा आपको ये। कंट्री थाईलैंड, कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाट, प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चन ओचा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देश जो हमारा है फिलीपींस, मैप में देख रहे हैं आप, कैपिटल क्या है? मनीला, मनीला फिलीपींस, ये आपको याद रखना है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। कंट्री फिलीपींस, कैपिटल है मनीला, और यहाँ की करेंसी है फिलीपींस पैसो। फिलीपींस पैसो यहाँ की करेंट क्या है? करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते, ठीक है, इन यहाँ के कौन हैं? प्रेसिडेंट हैं। आपको करेंसी याद रखनी है फिलीपींस की, फिलीपींस पैसो है। कैपिटल है मनीला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देश हमारा इम्पोर्टेंट बनेगा, कौन सी कंट्री है? वियतनाम है। कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामी डोंग, तो डोंग ये यहाँ की करेंसी है। वियतनाम की कैपिटल याद रखना है, वियतनाम की हनोई। वियतनाम आप मैप में देख ही रहे होंगे, ये देखिए आप मैप में, ये आपको दिख रहा है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल आपको याद रखनी है हनोई, और यहाँ के आपको नहीं वियतनाम हो गया आपका, वियतनाम की कैपिटल हनोई हो गई, और करेंसी कौन सी है यहाँ की? डोंग, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारी कंट्री लाओस, लाओस भी आप मैप में देख रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए आप, ये है लाओस, लाओस आपको मैप में दिख रहा होगा, ठीक है। और लाओस की कैपिटल है विंतियन, विंतियन यहाँ की कैपिटल है। करेंसी लाओ कीप या कीप यहाँ की करेंसी है। कैपिटल है विंतियन। कंट्री कौन सी है? लाओस, विंतियन और कीप। लाओस, विंतियन, कीप, लाओस, कैपिटल विंतियन, करेंसी कीप। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वोनहंग बोरोचित, वोनहंग बोरोचित, ठीक है। कंट्री लाओस, कैपिटल विंतियन, करेंसी कीप, तो आप ये याद रख सकते हैं। कंट्री कौन सी है? लाओस है। कैपिटल है विंतियन, करेंसी है कीप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए, जापान है। सबको पता होगा कैपिटल टोक्यो है, और करेंसी भी सबको पता होगी जापानीज येन, येन यहाँ की करेंसी है। कैपिटल टोक्यो है जापान की। पीएम का नाम आपसे पूछ सकता है, इसके पीएम का नाम, क्योंकि ये सबको पता होती है। कैपिटल जापान की आपको पता है टोक्यो है, करेंसी आपको पता है येन है, तो पीएम कौन है? योशीहिदे सुगा, योशीहिदे सुगा यहाँ के पीएम है, तो पीएम यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको याद रखना है जापान, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशीहिदे सुगा। तो आपको ये याद, देखिए आप देख रहे होंगे मैप में जापान को, ठीक है, जापान आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको यहाँ का याद रखना है योशीहिदे सुगा। करेंसी येन है, कैपिटल टोक्यो है, और कंट्री है आपकी जापान। नेक्स्ट जो आपकी कंट्री है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, और प्राइम मिनिस्टर हैं सुंग से क्यून, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो कंट्री है आपकी दक्षिण कोरिया, कैपिटल है सियोल, और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, और प्राइम मिनिस्टर हैं सुंग से क्यून, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंट्री है दक्षिण कोरिया, कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जे इन, प्राइम मिनिस्टर हैं सुंग से क्यून, तो आपको ये याद रखना है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है, साउथ कोरियन वॉन है, मून जे इन यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट हैं, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है नॉर्थ कोरिया, कैपिटल है प्योंगयांग, और करेंसी है
उत्तर कोरियाई वॉन, नॉर्थ कोरियाई वॉन है, और यहाँ के किम जोंग उन, ये सबको पता होगा ठीक है, यहाँ के किम जोंग उन, इनका नाम तो आप सब जानते ही होंगे। ये कौन है? सुप्रीम लीडर हैं। कहाँ के हैं? नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। और मैंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को आपको ये मैप पे दिखा दिया है, तो आप यहाँ से मैप में देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो कंट्री है नॉर्थ कोरिया, कैपिटल है प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, नॉर्थ कोरियाई वॉन है। लीडर कौन है? किम जोंग उन, किम जोंग उन यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। करेंसी वॉन है, कैपिटल प्योंगयांग है, किसकी? नॉर्थ कोरिया की। देश है चाइना, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। चाइना आप मैप पे देख ही रहे होंगे। अब मैंने इसमें चाइना की कैपिटल आपको याद रखनी है बीजिंग। कंट्री है बीजिंग, कंट्री चाइना है, करेंसी रेनमिनबी है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग। यह आपको नाम याद रखना है, शी जिनपिंग का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब चाइना को आप मैप में देख ही रहे होंगे, ये करेंसी भी याद रखनी है, रेनमिन भी है, ठीक है, कैपिटल बीजिंग है, कंट्री चाइना है, देश चाइना है, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिन भी है, और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कंट्री है हमारी, रशिया है, रूस है, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आपको यहाँ का देखिए, रशिया कैपिटल मॉस्को और करेंसी रशियन रूबल, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से अच्छे से पढ़ लें, और सबको पता होगा। जैसे जो मेन कंट्रीज हैं इनका हम अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको कैपिटल और करेंसी इनकी पता होगी, नहीं पता होगी तो आज मैंने बता दिया आपको। रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल, रशियन रूबल है। अब प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मित्सुकेन। ये चेंज हुए हैं और बन गए हैं ये मिखाइल मित्सुकेन, मिखाइल मित्सुकेन, ये पीएम है, एग्ज़ाम में आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। करेंसी क्या है? रूबल है। कैपिटल मॉस्को है। किसकी? देश कौन सा है आपका? रशिया है, और मैप में आप देख रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारी ईरान, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। मैप में आपको मैंने दिखा रखा है, ये शो कर रखा है, ईरान है, कैपिटल इसकी तेहरान है, और यहाँ पे ईरानियन रियाल चलती है, करेंसी रियाल है, ठीक है। और अभी तोमान इन्होंने करेंसी इन्होंने लेके आए हैं, ये करंट न्यूज़ का था। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, ठीक है, इन्होंने अभी सबसे अपना बड़ा नोट जारी करा था, इन्होंने तोमान करेंसी उन्होंने तोमान रखा था। जैसे हमारे पैसा है वैसी यहाँ पर रियाल हो गई है, और यहाँ रुपया जैसे इनकी हो गई है तोमान। अब तो ये आपको याद रखना है, ईरान कैपिटल तेहरान है, करेंसी रियाल, लेकिन आपको तोमान भी याद रखना है, और प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी है। चलिए फिर जो नेक्स्ट कंट्री है हमारी इराक, कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार, प्रेसिडेंट हैं बरहम सालेह, बरहम सालेह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, बरहम सालेह है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफ़ा अल कदीमी, मुस्तफ़ा अल कदीमी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं बरहम सालेह है, और करेंसी है इराकी दिनार, कैपिटल है बगदाद, कंट्री कौन सी है? इराक। तो आपको याद रखना है देश का नाम इराक, कैपिटल बगदाद है, और करेंसी है इराकी दिनार, और मैंने आपको ये मैप में शो कर रखा है, तो आपको याद रखना है इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे, कई सारे देश हैं और हमें ये एक ही वीडियो में कवर करने हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ। आपको याद ना हो तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप 2 बार भी देख लेंगे तो मैं इतनी गारंटी कह रहा हूँ आपको, अगर नाम याद आएगा तुरंत उसकी कैपिटल और करेंसी भी याद आएगी। आप इराक का नाम सुनेंगे तुरंत आपके मुँह से कैपिटल का नाम, कैपिटल बोलेंगे बगदाद, इराकी दिनार, ठीक है, अगर इराकी दिनार और बगदाद, इराक बगदाद इराकी दिनार,
ये इतना आपको तो याद ही रखना है। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये मैंने एडिशनल दे दिया है, अगर आपको ये इतना याद हो तो आप इसके इतना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी इस देश का याद रख सकते हैं, लेकिन मेन आपको कैपिटल और करेंसी तो याद रखना ही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मंगोलिया। मंगोलिया की है उलानबटोर, कैपिटल है, करेंसी है मंगोलियन टोगरोग, मंगोलियन टोगरोग यहाँ की करेंसी है, कैपिटल है उलानबटोर, और कंट्री कौन सी है मंगोलिया, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के खल्त मागीन और बटुलगा, ठीक है, खल्त मागीन बटुलगा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, करेंसी है मंगोलियन टोगरोग, कैपिटल है उलानबटोर, कंट्री है मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल उलानबटोर है, करेंसी है मंगोलियन टोगरोग, और प्रेसिडेंट हैं खल्त मागीन और बटुलगा, मतलब ये पूरा नाम है इनका, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे आप बस याद रखिएगा कंट्री, कैपिटल और करेंसी, कंट्री है मंगोलिया, कैपिटल है उलानबटोर, और करेंसी मंगोलियन टोगरोग, टोगरोग भी नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देश है हमारा अमेरिका, US, ठीक है, कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर, US डॉलर, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको कल ही मतलब आपको एक वीडियो में मैंने आपको करवाया है जो भी हमारे US का इलेक्शन हुआ है उसके बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको जितने भी US का इलेक्शन जो हुआ है उसमें प्रेसिडेंट कौन बना है और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, ये सब मैंने उस वीडियो में कवर कराया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब जो विडन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका, वॉशिंगटन DC, डॉलर करेंसी है, प्रेसिडेंट है जो विडन, ठीक है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चलिए और इनके बारे में कि ये कैसे हैं, कौन मतलब कितने नंबर के हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में कवर कराया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके मैप, अच्छा मैप आप सोच रहे होंगे मैप नहीं आया, मैप मैं आपको एक साथ कवर कराऊँगा, USA, कनाडा, ठीक है, और मैक्सिको का। अब देश है नेक्स्ट हमारा कनाडा, कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कनाडियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, तो आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, करेंसी कनाडियन डॉलर है, कैपिटल है ओटावा, और कंट्री है कनाडा, तो कनाडा कैपिटल ओटावा है, करेंसी कनाडियन डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, करेंसी कनाडियन डॉलर है, कैपिटल है ओटावा, किसकी है ओटावा, कनाडा की, तो कनाडा कैपिटल ओटावा, करेंसी है कनाडियन डॉलर, कनाडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। मैं आपको 3 से 4 बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में घुस जाइए और आप कभी ना भूल पाएँ, ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है, दिमाग बिल्कुल फोकस, आपको फोकस करके बैठना है, ईयरफोन का यूज़ करना है और दिमाग पे और कुछ आपको नहीं रखना है। कैपिटल ओटावा, करेंसी कनाडियन डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मतलब नेक्स्ट क्या आप US का देख रहे हैं, जो रेड रेड पार्ट है US का है, बाकी कनाडा आपको शो हो रहा है, और नीचे है आपका मैक्सिको, ये पूरा मैंने एक साथ आपको ये ग्राफ कर रहा हूँ मैप दे दिया है, यहाँ से आप अपना डाउट जितने भी हैं क्लियर कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका है ये, तो नॉर्थ अमेरिका ही मैंने पहले कंट्री ले ली है, इसके बाद साउथ अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका, ठीक है, फिर यूरोप अभी, और उससे पहले मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है इसकी जो कंट्रीज थी वो कवर कराई हैं, ठीक है, और जितनी भी हमारी एशिया की हैं ये मैं थोड़ी आज कवर करा दूंगा, और इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें डीपली वहाँ पे आपको मैं कवर कराऊँगा उन कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती हैं एग्ज़ाम्स में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका कंट्री क्या, मैक्सिको, कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और करेंसी यहाँ की पैसो है, कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी पैसो, कौन सी कंट्री की, मैक्सिको की, मैक्सिको भी आप मैप में देख रहे होंगे, तो आपको तीनों देशों के बारे में पता होना चाहिए, अमेरिका कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बिडेन, करेंसी कनाडा, कैपिटल ओटावा, और करेंसी है कैनेडियन डॉलर, कैपिटल ओटावा है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो। चलिए फिर
नेक्स्ट कंट्री हमारी मेक्सिको, कैपिटल मेक्सिको सिटी है और करेंसी है पैसो। मेक्सिको शहर मुद्रा है, करेंसी है पैसो। कंट्री कौन सी है? मेक्सिको। कंट्री आपकी नेक्स्ट बनती है ब्राज़ील, कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील कैपिटल है ब्राज़ीलिया। करेंसी है रियल, ब्राज़ीलियन रियल। रियल और प्रेसिडेंट है जेल बोल्सनारो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, जेल बोल्सनारो ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यह हैं प्रेसिडेंट किसके? ब्राज़ील के। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। और जेर बोल्सनारो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जेर बोल्सनारो। करेंसी है रियल, कैपिटल है ब्राज़ीलिया और कंट्री है ब्राज़ीलिया की कैपिटल किसकी है? ब्राज़ील की। मैप में आपको आके शो करवाऊँगा जितने भी हमारी साउथ ठीक है, आपके दो कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। अब ये साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैंने ली हैं और मेज़र मेज़र सब उठाई हैं ठीक है। देखिए आप ब्राज़ील देख रहे होंगे आप, और इसमें थोड़ी और कंट्रीज़ भी हैं जैसे आपको इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इसमें कवर कराई हैं। बाकी जो आपको लगता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कराई हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जिससे मैं जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी वो मैं वहाँ से आपके कमेंट देख के एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और उन कंट्रीज़ को उसमें कवर करा दूंगा। तो आप देख रहे होंगे ब्राज़ील ठीक है। अब ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया है, करेंसी रियाल है, प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट जो हमारे हैं देश या कंट्री है अर्जेंटीना, कैपिटल है ब्यूनस आरेस। ब्यूनस आरेस अर्जेंटीना की है और अर्जेंटीना पेसो यहाँ के क्या है? करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। कैपिटल है ब्यूनस आरेस और कंट्री है अर्जेंटीना। तो आपको ये याद रखना है, अर्जेंटीना आपको मैप में दिख रहा होगा। देखिए आप ये है बिल्कुल लास्ट में, थोड़ा मैप में शो नहीं हुआ है, ये मैप नीचे रह गया आपका। चलिए कोई बात नहीं, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आरिस है, कैपिटल अर्जेंटीना पैसो है। तो आपको ये याद रखना है, कंट्री अर्जेंटीना, कैपिटल ब्यूनस आरिस, करेंसी है अर्जेंटीना पैसो। मैं आपको मैप के साथ रिवाइज करा रहा हूँ और आपको ये याद करा रहा हूँ ठीक है। आपको बस ध्यान से सुनना है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कर दें, और जैसा भी लगे आप अपनी थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में, सब डाटा कलेक्ट करने में ठीक है, और सबके अलग अलग देश के मैप उठाने में। चलिए फिर नेक्स्ट कंट्री है हमारी चिली, कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी है चिलियन पैसो और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन पेनेरा। सेबेस्टियन पेनेरा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है पैसो। कैपिटल है सेंटियागो। किसकी है? चिली की। तो आपको याद रखना है, चिली कैपिटल सेंटियागो, करेंसी पैसो और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन पेनेरा। नेक्स्ट कंट्री है आपकी कोलंबिया, कैपिटल है बोगोटा, करेंसी है पैसो और प्रेसिडेंट है इवान डोक्यो मार्क्वेज। इवान डोक्यो मार्क्वेज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है पैसो। कैपिटल है बोगोटा। किसकी है बोगोटा? कोलंबिया की ठीक है। कोलंबिया कैपिटल बोगोटा है, करेंसी पैसो है और प्रेसिडेंट कौन है? इवान डोक्यो मार्क्वेज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है पैसो, कैपिटल बोगोटा और कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया की आपको कैपिटल याद रखनी है बोगोटा पैसो। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे चिली भी आपको ये दिया गया आपका चिली ठीक है। यहाँ पे मैप में आपको ये सब दिख जाएंगे, और ये आ गया आपका कोलंबिया। तो मैं आपको दो तीन कंट्री करा दी है और एक ब्राज़ील करा दिया। चलिए फिर कोलंबिया हो गया। नेक्स्ट है वेनेजुला। वेनेजुला कैपिटल काराकस, कैपिटल है काराकस और वेनेजुलियन बोलीवर। वेनेजुलियन वेनेजुलियन बोलीवर। वेनेजुला काराकस और बोलीवर यहाँ की करेंसी है बोलीवर। करेंसी है, कैपिटल है काराकस, कंट्री है वेनेजुला। देखिए अब वेनेजुला ये आपको ये है मैप में बिल्कुल, आपको ऐसे ही ये याद रखना है। साउथ अमेरिकन ये कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। वेनेजुला कोलंबिया चिली अर्जेंटीना और ब्राज़ील ब्राज़ीलिया और
ब्राज़ील ब्राज़ीलिया और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना पैसो, चिली सेंटियागो पैसो, कोलंबिया बोगोटो बोगोटा और पैसो, वेनेजुला काराकस और वेनेजुलियन बोलीवर। नेक्स्ट आपका देश आता है पेरू, लीमा और करेंसी सोल, ठीक है, कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल, छोटा सा देश है आपका ये पेरू, ये मैं आपको मैप में शो करवाता हूँ। देखिए आप पेरू बताइए, ये है आपका पेरू, तो ये आपको पेरू मैप में मिल गया है, देश तो काफ़ी बड़ा है, छोटा सा नहीं है। चलिए फिर देख, कंट्री है पेरू, कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल, तो आपको याद रखना है देश आपका कंट्री है पेरू, कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल, तो ये आपको याद रखना है, कंट्री पेरू है, कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है, कंट्री पेरू, कैपिटल लीमा, करेंसी सोल। नेक्स्ट कंट्री है आपकी इक्वाडोर, कैपिटल है क्यूटो, कैपिटल क्यूटो है यहाँ की, इक्वाडोर की और यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ की करेंसी चलती है, कंट्री है इक्वाडोर, कैपिटल है क्यूटो, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो आपको ये याद रखना है, कंट्री है इक्वाडोर, कैपिटल है क्यूटो और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इसराइल, कैपिटल है यरूशलम, करेंसी है इसराइली न्यू शेकल, ठीक है, इसराइली न्यू शेकल यहाँ की करेंसी है, यहाँ पे आप न्यू जोड़ लीजिएगा, इसराइली नई शेकल या इसराइली न्यू शेकल, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कैपिटल है यरूशलम, करेंसी है इसराइल, और अभी इसराइल के साइंटिस्ट और इंडिया के साइंटिस्ट DRDO में कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, मतलब कोई आपका टेस्टिंग तैयार कर रहे हैं कि एक घंटे में आपको एक घंटा नहीं कम समय में आपको पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, तो और उसकी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं साथ में मिलकर, तो बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, कैपिटल है यरूशलम और कंट्री है आपकी इजराइल, इजरायली कैपिटल यरूशलम, ठीक है, जरूसलम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जरूसलम या यरूशलम आपको नाम याद रखना है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए आप ये आपको इसराइल मैप में शो हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट जो आपकी कंट्री है जॉर्डन है, कैपिटल अम्मान है, कैपिटल अम्मान, कंट्री जॉर्डन और करेंसी है जॉर्डियन दिनार, ठीक है, तो जॉर्डियन दिनार यहाँ की करेंसी आपको याद रखनी है, जॉर्डन की जॉर्डन, कैपिटल अम्मान, करेंसी जॉर्डियन दिनार और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला राजा और हानी मुल्की यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा, बस आपको याद रखना है जॉर्डन, कंट्री कैपिटल अम्मान, करेंसी जॉर्डियन दिनार। चलिए फिर नेक्स्ट जो आपकी कंट्री है सीरिया है, कैपिटल है दमस्कस, ठीक है, यह दमस्कस यहाँ की कैपिटल है और सीरियन पाउंड करेंसी है, अब सीरिया मैप में आपको शो करवाऊँगा आगे, कंट्री है सीरिया, कैपिटल है दमस्कस और जटामेकस ऐसे बोल सकते हैं आप, करेंसी है सीरियन पाउंड और बशर अल असद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है देश कौन सा है, सीरिया है, कैपिटल है दमस्कस और करेंसी है सीरियन पाउंड। चलिए फिर देखिए आप मैप में, ये मैंने मैप में आपको दिख रहा है ये सीरिया, ठीक है, ये मैप मैंने बस आपको ये शो करवाने के लिए दिखाया है कि आपको अंदाज़ा पड़ जाए कौन सी कंट्री कहाँ पर है, इसके आसपास कौन सी कंट्री हैं, ठीक है, बस इतना सा है, मैंने ये गूगल से उठाया है, तो ये ऑफिशियल नहीं भी हो सकता है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, बस आपकी अंदाजे के लिए हैं जिससे आपको पता लग जाए कौन सी कंट्री के पास कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट कंट्री जो है आपकी लेबनान, कैपिटल है बैरूत, करेंसी है लेबनीज पाउंड, ठीक है, पाउंड यहाँ की करेंसी है, कैपिटल बैरूत लेबनान की है, प्रेसिडेंट हैं माइकल, ठीक है, अब मिचेल ऑन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, करेंसी पाउंड, कैपिटल है बैरूत, किसकी है लेबनान की, तो लेबनान बैरूत लेबनीज पाउंड और, ठीक है, आप इतना याद रखना आपको। आप देखिए मैप में
मैप में आपको लेबनान ये मिल गया है, करेंसी है बैरूत और पाउंड यहाँ की करेंसी, कैपिटल बैरूत है, करेंसी है पाउंड। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है साउथ अफ्रीका, कैपिटल है केप टाउन सॉरी, और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। अब रैंड भी याद रख सकते हैं और साउथ अफ्रीकन रैंड भी याद रख सकते हैं। कैपिटल है केप टाउन साउथ अफ्रीका की, और सिरिल रामफोसा इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बनेगा एग्ज़ाम्स के लिए और बन सकता है। कंट्री साउथ अफ्रीका है, कैपिटल केप टाउन है, करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। अब आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया है तो उससे जितनी भी रिलेटेड कंट्रीज़ हैं वो मैं सब कवर कराऊंगा और मैप आपको आगे मिल जाएगा उसका, आपको मैप से भी दिखाऊंगा मैं कौन सी कंट्री कहाँ पर है। आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, कैपिटल केप टाउन है, और साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट कौन है, सिरिल रामफोसा। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है सूडान है, कैपिटल है खार्तूम, करेंसी है सूडानीज पाउंड। तो यहाँ की भी करेंसी है पाउंड, खार्तूम कैपिटल है किसकी, सूडान की। अब एक है सूडान एक है साउथ सूडान, दोनों ही अभी न्यूज़ में रहे हैं तो आपको इनका याद रखना है। देश है सूडान, कैपिटल है खार्तूम, और करेंसी है सूडानीज पाउंड। मैं आपको मैप में शो करवाऊँगा कहाँ कहाँ पर हैं ये, पहले आप देख लीजिए। कंट्री है साउथ सूडान, कैपिटल है जूबा, और साउथ सूडानीज पाउंड, ठीक है। और सलवा खीर आपको याद रखना है मायारदीत यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब मेन चीज आप देखिए, साउथ अफ्रीका केप टाउन और रैंड यहाँ की करेंसी है, सूडान खार्तूम और सूडानीज पाउंड यहाँ की करेंसी है, साउथ सूडान जूबा साउथ सूडानीज पाउंड ये करेंसी है। दोनों हो गए आपके सूडान खार्तूम सूडानीज पाउंड, साउथ सूडान जूबा साउथ सूडानीज पाउंड याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है मिस्र, इसे इजिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे मिस्र। काहिरा यहाँ की कैपिटल है, और इजिप्टियन पाउंड या मिश्री पाउंड यहाँ की करेंसी है, आपको याद रखना है। देश है मिस्र इजिप्ट, कैपिटल है काहिरा, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, और प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं। कंट्री है इजिप्ट, कैपिटल है काहिरा, करेंसी है मिस्री पाउंड, और प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको याद रखना है कंट्री है मिस्र, कैपिटल है काहिरा, करेंसी है मिस्री पाउंड, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, अब्दुल फतेह अल सीसी ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखिए आप अब मैप में मैं आपको शो करवा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ये आपका साउथ अफ्रीका आ गया, और यहीं पर आपका सूडान आ गया, साउथ सूडान आ गया, इथोपिया आ गया, सोमालिया आ गया, ये सब मैं आपको कवर कराऊंगा। ये आपका इजिप्ट आ गया, अल्जीरिया आ गया, ठीक है। तो ये आपके सब देश हैं, ये सब आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देख रहे होंगे ये आपका सीरिया, इराक, ईरान, और ठीक है सऊदी अरबिया, ये सब आपके इधर पढ़ते हैं यूरोप की साइड, ठीक है। चलिए फिर नहीं यूरोप की नहीं, एशिया की तरफ पढ़ते हैं। अब यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा था आज ही आपकी कंट्री हो जाएंगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कंट्रीज़ कवर कराऊँगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर ध्यान से देखिए। पहले इस वीडियो को देखिएगा, फिर इसका मैं पार्ट टू कर दूंगा, उसमें जो नेक्स्ट कंट्रीज रह गई हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी, और फिर जो पार्ट थ्री होगा उसमें आपकी जो कंट्रीज़ होंगी इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़ होंगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से इन सब कंट्रीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और तीनों चारों वीडियोज आप ध्यान से कर लीजिएगा। अगर मैं एक ही वीडियो में 1.5 घंटे ये बना दूंगा तो आप बोर भी हो सकते हैं, आप एक एक करके इन वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। सबकी डिमांड थी कि जितनी वीडियोस हैं हमारी उनको लेके आइए, तो मैं आपको मतलब वीडियोस काय की कैपिटल एंड करेंसी की, तो आपको जितने भी मैंने करा दिए हैं आप आज याद रखिए, कल को मैं आपसे पूछूंगा भी, उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा, जितनी भी आपकी ये वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें। चलिए फिर मस्त रहें, व्यस्त रहें, गुड बाय।